श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 27 सितंबर नंदगांव जिला नासिक महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह कथा 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली है। आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि में किए जाने वाले बिल्कुल 3 नए उपाय गुरुजी ने बताए हैं। ये उपाय आप 30 सितंबर मासिक शिवरात्रि के दिन ये तीनों उपाय आप कर सकते हैं। और श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि को ही यह उपाय किया जाता है। ये मौका बार बार नहीं आता है, ये साल में 1 बार भी आता है। मासिक शिवरात्रि, श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि, आपको इसी वीडियो के अंत तक में सारी उपाय आपको बताया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे। अगर किसी कारणवश आज की वीडियो, आज की कथा आप नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आप कितना पल, कितना क्षण आप महादेव के नाम करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। आप कुछ क्षण महादेव को जरूर दें, आपका कुछ क्षण आपको महादेव क्या देंगे वो आपको नहीं पता है, ये महादेव को ही स्वयं पता होगा। क्योंकि समय आपका चला जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा, इसलिए कुछ क्षण महादेव के नाम जरूर करें। जो समय आपको मिला है उसका सदुपयोग करें। गुरुजी कहते हैं जन्म मरण और पड़न अपने हाथ में नहीं होता है, तो सब महादेव के हाथ में होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला। राजा के सीता के नाम का था पितृदेव। राजा जी के सीता के नाना के नाम का था पितृदेव। मैना के गोद में पार्वती जी, धन्या की गोद में सुनैना जी, कला की गोद में कृति यानी कि राधा जी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। पितरों के लिए खीर बनाया जाता है, पितरों के लिए तोड़ई बनाई जाती है। बहुत कुछ ऐसे है जो कि पितृ दोष में नहीं बनाई जाती है, बहुत कुछ ऐसे है जो कि पितरों को बहुत प्रिय प्रसन्न है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं सब कहते हैं हमारा दुख समाप्त नहीं हो रहा है। गुरुजी कहते हैं जब रावण समाप्त हो सकता है, कंस समाप्त हो सकता है, तो हमारा दुख क्यों नहीं समाप्त होगा। बस बाबा पे एक लोटा जल समर्पित कर दो, बाबा एक ना एक दिन जरूर दुख हरेंगे, बाबा एक ना एक दिन जरूर दुख काटेंगे। शिव पे चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता है, आज ना कल जरूर फल मिलता है, बस विश्वास रखो। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया सुचिता जी का, गुरुदेव मेरा एक बेटा और एक बेटी है, मेरा पति बस कंडक्टर है, मेरे पास कुछ है भी और नहीं भी, मेरा पति गलत संगत में पड़ गया, किसी तरह से बेटे को इंजीनियरिंग करवाया, बेटा का जॉब नहीं लग रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था। मेरा बेटा बोला माँ गुरुजी की कथा टीवी पर आती है तुम सुनो। मैंने आपकी कथा सुनी, पशुपति व्रत किया, बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाना चालू की, आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सरकारी जॉब लग गई है, सरकारी इंजीनियर हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। जिस किसी का शादी नहीं हो रहा हो तो गाय का घी एक बूंद, गाय का घी शुद्ध होना चाहिए, किसी और बाजार से खरीदा हुआ घी नहीं, शुद्ध गाय का घी एक बूंद। अशोक सुंदरी के स्थान पर पीवड़ी के नाम से आप लोग ध्यान से इस उपाय को सुनेंगे। जिस किसी का लड़का लड़की का शादी नहीं हो रहा हो उसके लिए ये उपाय है, गाय का घी एक बूंद अशोक सुंदरी के स्थान पर पीवड़ी के नाम से लेपन करें, उसके बाद महादेव के ऊपर एक लोटा जल समर्पित कर दें, उसका शादी अगले पितृपक्ष से पहले हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। जिसका संतान नहीं हो रहा है, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन आपको ये पहले वाला उपाय भी जो है, जिस किसी का शादी नहीं हो रहा है वो वाला भी उपाय, आपको घी वाला लेपन वाला उपाय भी पीवड़ी के नाम से जो करना है वो भी मासिक शिवरात्रि के दिन, जो कि 30 तारीख को, 30 सितंबर को मासिक शिवरात्रि है, उस दिन ही आपको ये सारे उपाय करना है।
जिस किसी का संतान नहीं हो रहा है, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि यानी कि 30 सितंबर को जो शिवरात्रि है के दिन, उस दिन महादेव और पितृ दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो शिवरात्रि के दिन घी का लेपन करें और उसी घी का पति पत्नी दोनों मिलके पालें। घर आके वो घी आपको पाना है, संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगली उपाय की ओर। जो लड़का लड़की कंपटीशन में बैठे रहा है, पहले तो अपनी मेहनत को 4 गुनी बढ़ाओ, खूब मेहनत करो। पितृपक्ष की शिवरात्रि पर बीच वाली पत्ती पर घी लगाकर, जो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती होती है उस पत्ती पर घी लगाकर डंडी का मुख उत्तर की ओर यानी कि जो शिवलिंग का पानी जिधर से बहता है, जिधर अशोक सुंदरी का स्थान है उधर से पानी बहता है, तो उस बेलपत्री की डंडी जो होती है आपको जलाधारी की ओर रखना है, उत्तर की ओर रखना है, जिधर से पानी बहता है डंडी की दिशा उधर रखना है। आप कंपटीशन में ज़रूर पास हो जाएंगे। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर उपाय आपको किसी को भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। श्री शिवाय नमस्तु।